आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चाएं बड़ी अहम है और चर्चाएं जब राजनीति में जनता के मुद्दों पर होती हैं तो शायद सबका मन लगता है, पर क्या करें, हमारे देश में जनता के मुद्दे तो बात नहीं होगी पर और तमाम मुद्दे ऐसे जिन पर चर्चा होती रहती हैं, वो होना भी चाहिए। चर्चाएं अगर स्वस्थ होगी तो उसका आपको परिणाम भी बेहतर मिलेगा। पर यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आज हमारी है पहलवानों पर। आज हम कोई किस्ती की बात नहीं कर रहे हैं कि दंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन पहलवानों की बात कर रहे हैं जो देश के लिए मेहनत करके, पसीना बहा के, लगातार अभ्यास करके, जीतो और संघर्ष करके विदेशों में जाकर देश का झंडा ऊंचा करते हैं, मेडल लाते हैं और देश का नाम पूरे विश्व प्रदर्श में ऊंचा करते हैं। उस समय हमारा देश का प्रत्येक नागरिक उस क्षण को, उस समय को अपने दिल में बसाता है जब वो देखता है कि भारत का झंडा ओलंपिक में सबसे ऊपर है, जब वो देखता है भारत के लोग पदक जीत रहे हैं, जब वो देखता है विश्व प्रतियोगिताओं में भारत के लोग देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। क्योंकि देश के हर नागरिक को रिप्रेजेंट करने के लिए उनका प्रतिनिधि के रूप में वो खिलाड़ी खेल प्रतियोगिताओं में जाते हैं, और खेल प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर बड़ी बड़ी पिक्चरें तब बन गई हैं और सफल रही हैं और बताती हैं कि आज भी लोग खेल को बहुत अहमियत देते हैं। तमाम फिल्में ऐसी बनी हैं, चाहे वो हॉकी को लेकर हो, चाहे क्रिकेट को लेकर हो, और जनता उनको देखती है, दर्शक देखते हैं। और सबसे अहम बात है कि सभी खिलाड़ी जो देश के लिए पदक जीत के लाते हैं वो जनता के दिल में निवास करते हैं। कारण यहाँ पर यह है निवास करने का, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं और जब इनकी मेहनत पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, इनसे मिलती है, इनको इनाम देती है, तब इनका सिर भी गर्व से उठ जाता है और शायद सरकारी महकमों का। हमें तमाम समय के समय देखे हैं जब लोग खिलाड़ी जीत कर आते थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके साथ बैठते थे, उनसे बात करते थे, उनकी हौसला अफजाई करते थे, ये बताने के लिए कि इन खिलाड़ियों ने देश का परचम ऊंचा किया है, झंडा ऊंचा किया है। पर आज वही खिलाड़ियों के साथ आज अगर गलत हुआ है और अगर वो खिलाड़ी संवैधानिक व्यवस्था के तहत धरना दे रहे हैं तो उन्हीं खिलाड़ियों को 28 मई पर बर्बरतापूर्ण घसीटा जाता है और उनको भेज दिया जाता है हवालात के पीछे। हालांकि छूट जाते हैं, धारा ऐसी नहीं होती है, पर जो समय की तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आए, वो एक दृश्य को बचा रहे थे पर वहां पर महिला पुलिस और तमाम पुलिस बल उनको घसीटने का काम कर रहे थे, उनको लेके जा रहे थे। और उस समय पुलिस का केवल एक ही उद्देश्य था कि जंतर मंतर को खाली कराया जाए। एक तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद का उद्घाटन हो रहा था, सियांगोल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई परंपरा को जन्म दे रहे थे और नई परंपरा का यहां पर व्यवस्था बता रहे थे, नई इतिहास लिख रहे थे, तो भाई दूसरी तरफ एक इतिहास और लिखा जा रहा था, पर वो इतिहास यहां देश के सम्मान को बनाने वाला नहीं बल्कि वो इतिहास वो था जो हमारे देश की महिलाओं की छवि को खराब करने वाला था। महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, कारण यौन शोषण के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और ये आरोपी कोई सामान्य आदमी नहीं बल्कि ये कहा गया है कि जिस पर आरोप है वो सांसद है, बीजेपी के सांसद, और सांसद कौन है ये सब भली बात ही जानते हैं। पर उसके बावजूद अब तक अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो इसका जवाब कौन देगा, और इसी जवाब के लिए ये लड़कियां, ये लड़के, जो पहलवान जो देश का झंडा ऊंचा करते हैं, ये सभी लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लड़ रहे थे सिस्टम से, व्यवस्थाओं से, और अपनी आवाज देश के सरकार के कानों में पहुंचाने का काम कर रहे थे। यूं तो अगर हम बात करें संघर्ष की तो 18 जनवरी को संघर्ष शुरुआत हुई, एक हफ्ते से ज्यादा समय वहां पर संघर्ष किया, उसके बाद इनको आश्वासन मिला कि शायद यहां पर कार्रवाई होगी और उसके बाद FIR भी हुई, पर जब तक बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ये थर धरने पर बैठ गए और धरना का बैठने का समय था 23 अप्रैल 2023, उसके बाद से लगातार बैठे हुए थे और 1 महीना 5 दिन बैठने के बाद जो स्थिति हमने 28 मई को देखी उसके बाद स्थिति और खराब हुई। और पहलवान हरिद्वार पहुंच चुके हैं गंगा स्नान करने के लिए नहीं बल्कि पहुंचे हैं अपने मेडलों को सिराने के लिए, प्रवाहित करने के लिए, कहते हैं ये मेडल हमारे पवित्र हैं, हमने मेहनत से पाए हैं और इनकी जगह गंगा जी में है, पुण्यमयी गंगा,
क्योंकि यहां पर जब सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, हमारी मेडल को अहमियत नहीं दे रही है, हमारी समस्याओं को अहमियत नहीं दे रही है, हमारे आरोपों को यहां पर दरकिनार कर रही है, अपने पक्ष को बचा रही है, अपने सांसद को बचा रही है, तो कहीं ना कहीं अब हमारे लिए इन मेडल की क्या वैल्यू है? वो मेडल जिनको हम संघर्ष के साथ लेकर आए थे, और फिलहाल विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे तमाम खिलाड़ी हर की पौड़ी पर मौजूद हैं और अपने रोने के साथ अपना दर्द बता रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। और इसी दर्द की इंतहा हमने देखी है, क्योंकि यहाँ पर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, यहाँ महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और जब हमारे देश की बेटियाँ, हमारे देश के लोग अगर यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं न्याय के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, तो यह प्रश्न उठना लाजमी है लोकतंत्र पे, राजतंत्र पे, उन व्यवस्थाओं पर जिसमें हम बोलते हैं कि हम आदि आबादी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार वचनबद्ध है, पर ये वचन कैसा है, ये सिस्टम कैसा है और ये व्यवस्था कैसी है, इस पर अब प्रश्न उठना शुरू हो गए हैं। मामला कोई भी हो, पर अगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जांच नहीं हो रही है, व्यवस्थाएं नहीं देखी जा रही हैं, प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि हम सो चुके हैं। चर्चा महत्वपूर्ण हमारे साथ मेहमान जो रूबरू करूँ, प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सभा से चंचल कुमार यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आरएलडी से विवेक वेदप्रकाश मिश्रा अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आप से उनके फारवान प्रवक्ता प्रतपाल सिंह सलूजा अपनी बात रखेंगे, और आमिर साबरी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमेशा अपनी बात रखते आए हैं, वो आज भी हम उम्मीद करेंगे कि इस मसले पर अपनी बेबाक राय रखें। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा विवेक श्रीवास्तव से। विवेक भाई, बात लंबी लंबी, पर यहाँ पर अगर कोई बात है तो उसका निस्तारण होना चाहिए। प्यार वालों का दर्द कह रहे हैं हम लोग घसीटा जा रहा है, और वहीं दूसरे जिस पर हमने आरोप लगाए हैं वो संसद के मंदिर के बाहर कुर्ते में फोटो खिंचा रहा है, टीस उनके अंदर है, दर्द उनके अंदर है, और अगर कोई समस्या है तो उसके लिए अब तक क्यों ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों जाँच नहीं कर पा रहे हैं कि दूर का दूर पानी का पानी हो जाए, क्यों लगातार इस मामले को बढ़ाया जा रहा है? क्या सच्चाई इसमें है या फिर वास्तव में एक सिस्टम है राजनीति करने का? क्योंकि यहां पर तमाम तरह के आरोप आप के द्वारा भी लगाए गए, क्योंकि यहां पर अब विचारधारा मेल नहीं खा रही है। जहां एक तरफ पहलवान लड़ रहे हैं, तमाम लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं ये कहा जा रहा है कि 5 जून को संत समाज ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में एक रैली करने जा रहे हैं। कैसे देखते तमाम व्यवस्थाओं को, और मेडल प्रवाहित करने जा रहे हैं, वहां पहुंच चुके हैं, शर्मनाक नहीं है बेबे भाई देश की व्यवस्थाओं को लेके, संस्कृति को लेके? विवेक श्रीवास्तव, देखिए गौरव जी, गौरव जी पूरे प्रकरण को समझने के लिए जी जी खेल मंत्री ने उनको पर्याप्त समय दिया, 2-2, 3-3 बजे रात तक उनके साथ बैठक की, ठीक, और उसके बाद एक हाई पावर कमेटी बनाई गई उनके इस मामले की जांच के लिए। अच्छा, उस हाई पावर कमेटी की जांच रिपोर्ट आने से पहले पहलवान दोबारा बैठ गए। अच्छा, और तो और उसके दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे FIR हो गई। अच्छा, जिन जिन धाराओं में चाहते थे, जो जो चाहते थे, वो FIR हो गई, ठीक। इसके बाद अगर विधिक रूप से देखा जाए जी, तो इस धरने को समाप्त हो जाना चाहिए था। अच्छा, आगे काम पुलिस का है और उसकी मॉनिटरिंग का काम न्यायपालिका का है। अच्छा, सारा सिस्टम आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा, आप एक हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले आपने FIR के लिए प्रयास किया जी, पहले तो यही गलत है जी। जब एक हाई पावर कमेटी जांच कर रही है, इस दौरान दिल्ली पुलिस आपका FIR नहीं लिख सकती थी जी। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया, लिख लिया गया, ठीक, न्यायपालिका का आदेश शर्मा थे। अब आप सुनोगे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो संज्ञान लेगा ना भाई, आप सुनोगे नहीं तो नहीं संज्ञान लेगा। बात सुनने की नहीं गौरव जी, अच्छा, इसकी तकनीकी विषय को समझने की कोशिश करिए। मैं समझ रहा हूँ, आप समझाइए। जब एक हाई पावर कमेटी जांच कर रही है जी, उस समय बिना उसकी रिपोर्ट के किसी निष्कर्ष पे पहुंचे जो, लोकल थाना कैसे मुकदमा ले सकता है? अच्छा,
जैसे आप समझिए जी, आप किसी मामले में अभियुक्त हो जाएं जी, आप जाते सीबीसीआईडी जांच हमारी हो जाए। अच्छा, अब सीबीसीआईडी को जांच मिल गई तो दरोगा जी कैसे आप गिरफ्तार कर लेंगे? अगर धारा नहीं तो बिल्कुल गिरफ्तार करेंगे विवेक भाई। नहीं, नहीं, धारा गिरफ्तारी वाली होगी, आईपीसी बोलती गिरफ्तारी होगी। मेरी बात जो धारा लगी गिरफ्तारी वाली, गैर जमानती है विवेक भाई, नकार नहीं सकते आप। 300 मुझे पता है, मुझे पता है जी, धारा 302 की हो। अच्छा, FIR तो लिख ली जाएगी जी, लेकिन जब तक सबूत अभियुक्त के खिलाफ नहीं होंगे तब तक उसकी गिरफ्तारी किस बिना पे की जाएगी? अच्छा, ये विषय एक देश का नहीं है। अच्छा, एक प्रदेश का नहीं है। अच्छा, कहां कहां इन लोगों का भूषण जी से आमना सामना हुआ है जी, किन देशों में हुआ, किन होटलों में हुआ, किन स्थानों पे हुआ जी, उसकी टाइमिंग, उसकी सीसीटीवी फुटेज, बिल्कुल ये लंबा जांच का विषय है। बिल्कुल है, आप आज FIR करा करके कल सड़क पे बैठ जाइए कि नहीं भूषण को फांसी दे दो, तो ये न्यायपालिका को हाईजैक करने का दुराग्रह है, प्रयास है। अच्छा, ये नहीं करना चाहिए पहलवानों को। अच्छा, आप भावनाओं भावनात्मक लोग हैं, लेकिन कानून अदालतें भावनाओं से नहीं चलती। अच्छा, ये गवाहों सबूतों से चलती हैं। आपको FIR के बाद धरना समाप्त करके जुडिशियल प्रोसेस को एक्टिव करना चाहिए जी। जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे FIR लिखी गई है तो किस दरोगा विवेचक की हैसियत है कि उसमें गड़बड़ी कर जाएगा? अच्छा, मॉनिटरिंग हो रही है। अच्छा, आपको न्यायपालिका को समय देना चाहिए। इसके बावजूद और सुनिए, सुना दीजिए, जिस दिन देश के लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आप मार्च करके करने जा रहे हैं, आप देश के पहलवान हैं, देश के लिए आपने मेडल लाया है, देश का तिरंगा ऊंचा किया है, देश के टैक्स पेयर का पैसा आपके ऊपर लगा है। अच्छा, तब आप यहाँ तक क्या बात कही है, क्या बात कही है, और नहीं उठ रहा है क्या? सुनिए, हम तो सुनने ही बैठे हैं। ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि देश के लोकतांत्रिक उत्सव की रक्षा और गरिमा बनाए रखे जी। उस अवसर पर उन्हें इस तरह का उपद्रव शोभा नहीं देता, ठीक है, उनके ऊपर बहती जिम्मेदारी है। बिल्कुल, अगर अगर ये किसी अधिकारी के द्वारा, किसी कर्मचारी के द्वारा और सांसद के द्वारा वहाँ की गरिमा का चिंता किया जाना आवश्यक है। अच्छा, जितने लोग हैं सब कहीं कहीं नौकरी में हैं। अच्छा अच्छा, पहली ये बात, दूसरी बात, पहलवान है जी, ये सुन लीजिए जी, अरे ये नेगेटिव बात मत करिए जी, देश देश के तिरंगे, अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, आप बताया, आप बोल रहे हैं टैक्स पर खर्च, पैसा खर्च हो रहा है, अरे भाई आप बोल रहे हैं टैक्स पर खर्चा हो रहा है, अरे देश के लिए जा रहे हैं मेडल जीतने के लिए, अपने छोड़े जा रहे हैं, मेडल ला रहे हैं, इंडिया के लिए जीतते हैं, अपने छोड़े जीतते हैं। गौरव जी सुन लीजिए, जी गौरव जी, जी गौरव जी, देश के लिए मेडल लाने का मतलब ये नहीं है कि हम जा करके लोकतंत्र के मंदिर को उपद्रव कराएं। ये लोकतंत्र सुनिए, आप जिस दिन लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है जी, उस दिन आप वहाँ मार्च लेके क्यों जा रहे हैं भाई? ये बात सही है, ये बात सही है, पुलिस प्रोटेस्ट रोक रही है जी, आपको मानना चाहिए, ठीक है। आप अगर कानून का पालन नहीं करेंगे, आप देश के पहलवान हैं, देश के नामचीन लोग हैं, आपने देश तिरंगे का मान बढ़ाया है। अच्छा, तो तिरंगे का मान बढ़ाने का मतलब ये होता है अच्छा, तो उसकी रक्षा, उसके मान सम्मान की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है जी। पहलवान ये भूल गए भावनात्मक रूप से। अच्छा अच्छा, उन्हें इस चीज को याद रखना चाहिए। अच्छा अच्छा, आपका फोटो जंतर मंतर में चल रहा था, करते रहते 28 तारीख उस मार्च को ले जाकर के जो नई रवेली संसद है जी, उस पर मार्च करने का क्या उचित था जी? ये उचित ये बताता है कि ये धरना राजनीतिक लोगों के हाथों में खेल रहा है, इस धरने में राजनीति घुस चुकी है। अच्छा, राजनीति हो चुकी है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप इस पे जांच करिए विवेक भाई, इसको खत्म कराइए। नहीं, हमारा काम ये नहीं है, सरकार की कुछ सीमाएं होती हैं। अच्छा, आपको पता है कि आपको पता है कि संत लोग भी एक इसके लिए रैली निकालने वाले हैं और कह रहे हैं पास्को एक्ट में बदलाव होना चाहिए। देखिए मेरी बात समझ लें जी, अदालतें अच्छा गवाहों सबूतों से चलती है। अच्छा, ना पहलवानों के दबाव से चलेगी, वो तो हमने देखा है, ना संत तमाम मामले देखे, कुछ होने वाला है, सच्चाई है। सुन लीजिए, ना संतों की रैली से कुछ, चले ठीक है, हो गया, चले चंचल यादव बोलेंगे, चंचल यादव लोगों की, दोनों देखिए ये दोनों लोगों की जी जो ये चल रही है धीका मुस्ती। अच्छा, इससे अदालत की प्रक्रिया पे कोई असर? अच्छा, आपका कहना है राजनीतिक है, ये राजनीति है आपका कहना? ये बिल्कुल, ये धरना राजनीतिक रूप से ले चुका है। कौन करा रहा है धरना विवेक भाई, वो भी बता दीजिए।
जो लोग वहां जाकर के अच्छा समय दे रहे हैं अच्छा और इनको उकसा रहे हैं अच्छा जो अभी एक आपने देखा पहले हरियाणा के युवराज का नाम आया अच्छा फिर वहां राजस्थान के एक पैदल पति को उनका नाम आया अच्छा ऐसे तमाम लोगों का एक दीदी का नाम आया जी ऐसे तमाम लोग वहां जाकर के अपना समय लगा रहे हैं ठीक है तो कौन उकसारे प्रदेश देख रहा है जांच होनी चाहिए ठीक है बात उकसाने या करने का नहीं है चलिए पहलवानों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी गरिमा को समझें चलिए और आप भी उनके समय वो भी समझ जाएंगे होस्टाइल करने का काम रोक दें अच्छा होस्टाइल कर रहे हैं क्या बात है ठीक है प्रवक्ता सभा चंचल यादव भाई क्या है होस्टाइल करने की बात बोल रहे हैं कह रहे राजनीति है आप लोग वहां जाते भड़का के आते हैं और ये मामला केवल क्यों राजनीतिक है इसमें कोई इस तरह के आरोप है आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएंगे गौरव जी एक बात नहीं, मैं गौरव जी बात छोड़िए बस जी ये मामला केवल केवल आज विधिक रूप विषय है अच्छा इसमें किसी करने की जरूरत नहीं है नहीं, अभी तो आप अरे अभी आप राजनीतिक बोल रहे थे अभी बोल रहे हैं विधिक रूप से स्पष्ट कर दीजिए ना अभी आपने कहा कि इस मामले पूरी राजनीति हो रही है ये बोल लीजिए ना लोग राजनीति कर रहे हैं अच्छा लेकिन आज इस विषय हाँ सिवाय न्यायपालिका जवाब भी लेंगे चले ठीक जवाब ले लीजिए चंचल यादव बोल रहे जवाब देंगे आपका चंचल यादव बोलिए भाई देखिए कहावत है ना कहावत जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है अच्छा आज ये सरकार विवेक सामने बैठा श्रीवास्तव जी है ना अरे विवेक की बात हो रही है हमारा विवेक तो हमारे सामने है जिंदा सामने बैठा है हाँ ये देखिए है गौरव जी सबसे बड़ी बात ये है आज के समय में जी जो हमारी आपने भी बहुत अच्छी बात कही मैं सुन रहा था इनको कि कमेटी बनी थी मीटिंग हुई थी इनके मंत्री मिले थे एक महीने का समय लिए थे उन्होंने जी और 3 महीने तक बेटियों ने इंतजार किया जब देखा कि सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहे हैं अच्छा और ये सरकार मस्त है जी जब नहीं आपने सुना होगा ना कि जब रोम जल रहा था तो नीरो जो है सुख चैन की बंसी बजा रहा था आज वही हालत पूरे देश में है आप देखें चाहे मणिपुर हो चाहे पूरे हिंदुस्तान में कोई एक प्रदेश उठा के देख लो आप जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगे फैलाने की कोशिश ना कर रहे हो आपसी भाईचारा को लड़ाने की कोशिश ना कर रहे हो एन केन प्रकड़ेन चाहे जिस भी माध्यम से उनको डिवाइड एंड रूल और ये अंग्रेजों की नीति पे शुरू से अगर भारतीय जनता पार्टी का बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो अंग्रेजों की नीति पे चलने वाले लोग हैं ये डिवाइड एंड रूल मैं पहली चीज कहना चाहता हूँ मैं विवेक भाई से पूछना चाहता हूँ बहुत अच्छे प्रवक्ता है बीजेपी के अच्छा। अच्छी बात रखते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप कह रहे हो ये मैटर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है आप सोचिए जब एफआईआर नहीं लिखी गई तो जाकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो दौरा खटना पड़ा आप बताओ हम अमृत काल में जी रहे हैं कि विष काल है ये अमृत काल है हमारे देश को गौरव देने वाली जो हम लोगों का सीना चौड़ा हो गया था हर भारतीय का गर्व से सीना चौड़ा हो गया उन्हीं बेटियों के लिए आपको याद होगा जो वीडियो क्लिप चल रही है आजकल जो हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से निकलता था विनेश फोगाट मेरे परिवार जैसी बेटी मेरे परिवार की बेटी तरह बेटी की तरह आप सोचो शब्द कहां चले गए प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हो आप आपके बगल में चंद कदम दूरी पर ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं और न्याय की भीख मांग रही हैं और ये सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है और आप कह रहे हो जीरो टॉलरेंस अरे क्या जीरो टॉलरेंस है आप बताओ आप विवेक जी मुझे बता दीजिए पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती है पहले आप मुझे बता दीजिए कौन सा कानून बैठ के पढ़ के बैठे हुए हैं आप लोग यहाँ पे और किस तरीके से देश में ले जाना चाहते हैं देश को किस हिसाब ले जाना चाहते हैं आज संविधान सुन लीजिए आप बात जवाब दीजिएगा आज जो देश संविधान से चलता है देश बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से चलेगा न कि भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए नियमों कानून से चलने वाला है ये देश उससे नहीं चलने वाला है और ये समझना पड़ेगा पूरे देश के लोगों आप सोचिए कितनी शर्म की बात है जब हमारे प्रधानमंत्री जी फीता काट रहे थे पूरे देश की स्ट्रीम मीडिया जो क्या नाम है लगातार केवल डिबेट पे चल रही थी और वहीं हमारी बहनों के साथ जो वीडियो में देख रहा हूं क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े हो जा रहे हैं ये बहनों के साथ जो जुल्म जास्ती हो रही है ये बहनें सामान्य बहनें नहीं है विवेक जी आप विवेकपूर्ण बात करिए आप जो बहनों के साथ जो क्या नाम है जो घटनाएं हो रही हैं ये देखने के लिए पूरे देश शर्म से झुक गया उस दिन 28 तारीख को और आज पूरे देश के लोग जो इस बात को कहते हैं कि बताइए देश को किस हिसाब में ले जाना चाहते हो आप बताओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग सारी गाड़ियों पर लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप बताओ क्या बेटियां बच रही हैं उसी दिल्ली के अंदर जिससे घसीटा जा रहा है इस देश के लिए कितनी शर्म की बात है आज पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान के ऊपर हंस रहे होंगे कि देश हमारे प्रधानमंत्री जी किस दिशा में लेके जा रहे हैं और कैसी कैसी बातें हो रही हैं आज के समय में सवाल ये उठता है कि क्या आज के समय में
इन मुद्दों को लेकर के सरकार गंभीर है? मैं तो पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से विवेक भाई, आप बता दो, कोई एक ट्वीट भी आया प्रधानमंत्री जी का? बिनेश फोगाट वही बेटी है ना जिसको आपने बहुत गर्व से कहा था कि मेरे परिवार की, मेरे परिवार की बेटी है। अरे आपके परिवार की बेटी होती अगर तो आज आप कम से कम ट्वीट तो करते, आप कम से कम संवेदन मेडल प्रवाह करने पहुंच गए। आज पूछिए मेडल जो है एक कितने, विवेक भाई ये बहुत आसान बात नहीं, आपने कहा टैक्स पेयर का पैसा है, आप मुझे बताओ ना वही टैक्स पेयर का पैसे की आप लेके आओ ना मेडल एक, तब आपको मालूम चलेगा ये बहने कितने त्याग के बाद, कितने त्याग के बाद, कितनी मेहनत के बाद, तब जाकर के ना जाने समाज में कितनी दकियानुसी विचारधारा को झेलते हुए बहने आगे बढ़ती हैं, ना समाज से लड़ करके देश को गौरव का क्षण देने वाली बेटियां आज उनको जिस तरीके से रोड पे घसीटा जा रहा है, जो बातें की जा रही हैं, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही चिंता का विषय है, इस पर चिंता करने की जरूरत है पूरे देश के लोगों को। ठीक। और मैं आपको बता दूं एक चीज और जी, अभी एक कोई आईपीएस रिटायर्ड अधिकारी जिसने कहा कि गोली मारने की बात, एनसीसी अस्थाना, अब सोचिए कितनी शर्म की बात है, और प्रधानमंत्री जी का कोई हस्तक्षेप नहीं जी, हमारे आदरणीय अमित शाह जी को कोई हस्तक्षेप नहीं, ट्वीट कर दिया उन्होंने, और बड़े मजे की बात जी, ट्वीट कर रहा है सरेआम गोली मारने के लिए कर रहा है, अरे देश डिलीट कर दिया, मजबूरी है। आप सोचिए कि आप कहां पे लेके जाना चाहते हो जी, कितना गिरना चाहते हो आप, केवल राजनीतिक सत्ता के लिए, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, और आप क्यों नहीं कह देते हो भाई, आप क्यों नहीं कार्रवाई करने की बात क्यों नहीं कर देते हो, आप बताओ क्या न्याय, क्या न्याय कोई उम्मीद करेगा? मैं आपको याद दिलाता हूं, इसी झांसी के अंदर पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड हुआ था, एनकाउंटर हुआ था, फेक एनकाउंटर में मारा गया, उसकी पत्नी ने न्याय ना मिलने की वजह से आत्महत्या कर ली जी। आपके चैनल ने चलाया था, मैं ये पूछना चाहता हूं, एक दो घटनाएं नहीं है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अगर आप देखें आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है कि नहीं है, उसी दिल्ली के अंदर पर डे प्रतिदिन 2 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है जी, लेकिन हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी केवल घूम घूम के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मेरे को ये सत्ता चाहिए। एक बात याद आ गई, कल इतना बड़ा हत्याकांड वहां हुआ, साक्षी हत्याकांड, उस पर हमने देखा अखिलेश यादव साहब का कोई ट्वीट नहीं आया, एकदम ट्वीट हुआ, जघन हत्या का है, आप देखिए ना पहले जघन हत्या का, उसकी निंदा की, समाजवादी पार्टी के सारे ट्वीट देखिए आप। अच्छा गौरव भाई, और भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं बताऊं भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान, मुसलमान, शमशान, रमजान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान के अलावा क्या बात करेंगे, इनको जाति और धर्म का एंगल दिखना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आजमगढ़ में मौर्य दंपति हत्याकांड हुआ जी, मुख्यमंत्री जी के सजाती जो वहां पे था, लेकिन उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? और आप बिलीव नहीं करेंगे, पीएम की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा आप, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, निर्भया जैसा कांड हुआ था आजमगढ़ में, लेकिन कोई सुनवाई है क्या? तो ये जो हमारे मुख्यमंत्री का चश्मा है वो अपने लोगों के लिए अलग चश्मा है, आम जनता के लिए अलग चश्मा है, विपक्ष पार्टी के लिए अलग चश्मा, सबका अपना चश्मा, ठीक है, सबका अपना चश्मा, ठीक है, ठीक है। प्रितपाल सिंह सलूजा, प्रितपाल भाई, दिल्ली है आपकी, जंतर मंतर भी आपका है, जनता भी आपकी है, आप लोग मिलने जरूर गए, पर जहां पर ये घटना हुई तमाम तरह की वहां पर जो जैसे कार्रवाई पूरा देश देख रहा था, तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को भी वहां पर संघर्ष कुछ करना चाहिए था, बेटियों के साथ बात करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा संघर्ष रोड पे भी करिए, और आपकी पार्टी लगातार संघर्ष करने वाली पार्टी हम लगातार देखते रहते हैं, पर इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कहेंगी कि खिलाड़ी गंगा में अपने बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, जिसकी एक अमूल्य धरोहर है, अमूल्य है वो, उसको प्रवाह करने पहुँच गए, पहुँच चुके हर की पैड़ी पर, थोड़ी देर में प्रवाह भी कर देंगे, रो रहे हैं, द्रवित हैं, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? गौरव भाई, आम आदमी पार्टी जो है आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, चाहे किसानों ने दिल्ली की, देश की जो राजधानी दिल्ली है, जब 3 काले कानून जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक ने थोपे थे, अच्छा, तभी आम आदमी पार्टी एक सेवक के रूप पर जी, उनके लिए पानी, शौचालय और बाकी टेंट और तरह की व्यवस्थाओं में लगी हुई थी जी। वर्तमान में हमारी बेटियां, पहलवान बेटियां, जिन्होंने देश को गौरव दिया, हम और आपका मस्तिष्क ऊंचा किया जी, उन बेटियां है कि एक सांसद जो भारतीय जनता पार्टी का ब्रज भूषण शरण सिंह जो अध्यक्ष है कुश्ती संघ का, अच्छा, उसके लिए, उसके द्वारा जो कृत किया जा रहा था, जो दुष्कर्म किया जा रहा था, उसकी बात को उन्होंने रखा जी, जिसको पीछे 3 महीने का लगातार वो इंतजार करती रही, फिर इसी महीने से लगातार वो बैठी हुई है जी। तो आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा काम जो किया वो मैं बता दूं आपको जी, जब देश का किसान, देश का अन्नदाता जो खाली में अनाज ला सकता है, हमारे बच्चे और आप उसको खा के अपना जीवन यापन करते हैं जी, वो किसान जब बैठा हुआ था तो याद होगा अमित शाह ने कहा था अरविंद केजरीवाल से कि मुझे जेल में परिवर्तित करने के लिए पार्क दो, पर अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया था कि अन्नदाताओं को मैं जेल में परिवर्तित नहीं होने दूंगा, और इस बार भी वही कांड हुआ जी।
इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने कहा, शैली ओबराय जो दिल्ली की मेयर है, कि आप मुझे इजाजत दो कि जितने पार्क हैं उसको जेल में परिवर्तित किया जाए, सारे पहलवानों को वहां ठूस दिया जाएगा, जो इनके समर्थन में आए उनको ठूस दिया जाएगा। हाँ। मगर शैली ओबराय ने कहा नहीं, वो बेटियां जिन्होंने देश को गौरव दिया क्या बात है? उनके लिए हम पार्क में परिवर्तित नहीं होने देंगे, जहां तक आम आदमी पार्टी के। अब आ जाए देश में जो स्थिति समय खड़ी हो, मैं हर दूसरे व्यक्ति से जब चर्चा करता हूँ, गौरव जी आप भी करते हो, वो इतना दुखित और व्यथित है इस बात को लेकर कि एक आदमी आम व्यक्ति अगर किसी महिला ने उस पर अगर इल्जाम लगा दिया, अभी पॉस्को एक्ट तो किनारे कर दी थी, एक आम महिला ने भी कह दिया इसने मेरे साथ ये बदतमीजी किया, छेड़खानी की, तो तुरंत पुलिस उनको कालर से पकड़कर जेल में भर देती है। एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बार बार, एक बच्ची नहीं कई बच्चियों ने लिखित में शिकायत की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कान पे रुद्धू नहीं रेंग रही। आपको याद होगा जब एक कुलदीप सिंह सेंगर वाला मैटर हुआ था, उन्नाव वाला, दो साल तक FIR इन्होंने होने नहीं दी। जब पूरा विपक्ष और जनता सड़क पर उतरने लगी तो 30,000 कोर्ट में केस प्रवर्तित किया, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर। तब जाकर उनको उम्र कैद की सजा हुई, उनकी पत्नी को फिर उन्होंने प्रधानी की सीट देने का प्रयास किया। चाहे आप वहां का कांड लीजिए, रात के अंधेरे में उन्होंने हाथरस में बच्ची को जलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी देश में संविधान को, जो भीमराव अंबेडकर साहब का जो प्रावधान है, उसको पूरी तरह से नष्ट करना चाहते, उसका भरोसा नहीं इनको। अच्छा, आप ले लीजिए कठुआ का मामला, 8 साल की बच्ची के साथ मंदिर में बलात्कार होता है, उस पुजारी के बचाव के लिए कौन उतरता है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक। अच्छा, अभी जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय था उसमें वैश्यावृत्ति हो रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह नंगी हो चुकी है। अब ये दो ये नारा दिया करते थे 2014 में बहुत हुई नारी पे वार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार। भैया आप तो 8 साल से आप हो, विवेक जी की सरकार है। अच्छा। विवेक जी ये बताएं, विवेक से ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2014 का जो इन्होंने मैनिफेस्टो में जो डाला था, 2019 में डाला, क्या वो उतार पाए? ये हर चीज में जाति खोजते हैं। अच्छा। हर सीट में अपने फायदे की बात सोचते हैं। अच्छा। इनको ये नहीं दिखता, ये वही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी बनारस की जो संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का वहां पे 14,000 शिवलिंग को उन्होंने उखाड़ा और नालियों में डाल दिया। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति 3,000 वर्ष वह मूर्ति प्राचीन मंदिर था, उसको तोड़ डाला। अच्छा। ये सरकार हिंदुओं की है, ना ये सरकार सिखों की है, ना मुसलमान की है, ना अगड़ों की है, ना पिछलों की, ना ईसाई की है। ये सरकार सिर्फ कुर्सी की है। अच्छा। अडानी और अंबानी वाली ये सरकार है। अच्छा। ये सिर्फ अपनी कुर्सी से कैसे फायदा हो सकता है, किसी की बात ठीक है पेटपाल भाई। विवेक जी यहाँ बचाव कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए विवेक जी आपको। ठीक है, आपको मैं जवाब देंगे, जवाब इन्हीं को देना है, जवाब विवेक श्रीवास्तव भी देंगे। बिल्कुल लीजिए जवाब, विवेक अभी जिंदा है, बोल तो रहे थे। ठीक है जवाब बेट भाई। मिश्रा जी आपको मेरी आवाज आ रही है जी? मिश्रा जी क्या राय है आपकी पूरे मामले पर, जिस तरह से खिलाड़ी पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी और वहां पर मेडल प्रवाह करेंगे थोड़ी देर में? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम बेटियों को न्याय नहीं देंगे। अच्छा, चाहे जो कुछ भी ये करे, ये मेडल गंगा में प्रवाहित करे या और भी कोई कदम बड़ा से बड़ा उठाए, लेकिन सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध पॉस्को एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ होता जी, या देश में होता रहा है, तो वो व्यक्ति तत्काल गिरफ्तार होकर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और वहां से जेल चला जाता है जी। उसके बाद पुलिस उसकी न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो जांच होती है वो करती रहती है, चार्जशीट दाखिल हो या फाइनल रिपोर्ट लगाए, ये निर्णय लेने का अधिकार अदालत का होता। अच्छा, लेकिन इस केस में विशेषता ये है कि सारा निर्णय दिल्ली पुलिस ले रही है। अच्छा। आखिर ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश क्यों नहीं किया जा रहा है? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर पैदा है। तो क्या सरकार ने ये निर्देश दे रखे हैं कि पॉस्को एक्ट के तहत अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद या विधायक या कोई नेता मुजरिम होगा तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? अच्छा। और अगर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो आंदोलन के सिवा और लोगों के पास विकल्प क्या है? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये नियत और इनकी नियत रही है, 13 महीने आंदोलन चलने के बाद किसानों को न्याय मिल पाया था,
और 35 दिन से ये बेटियां जंतर मंतर पर है, जबरदस्ती इनको कल वहां से उजाड़ दिया गया और इनका सारा का सारा समेत समेट करके और ये निर्देश जारी कर दिया गया कि 144 लागू है, अब आप यहाँ नहीं आते। क्या देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपराधी बाहर और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो अंदर? अच्छा, पुलिस कस्टडी में। चलिए नजर आया, चलिए नजर आया जी। तो इस तरीके का जो वातावरण देश में पैदा हो रहा है जी, ये लोकतंत्र के लिए घातक है और आम नागरिकों को आखिर न्याय कैसे मिलेगा? अच्छा, आप लोग इस बात को विपक्ष के लिए भी घातक है, विपक्ष के लिए भी घातक है, खड़े हो जाइए, समय आ गया है। न्याय कैसे मिलेगा जी? ठीक है, तो गौरव जी लगातार हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी 3 बार इन पहलवानों के साथ धरना स्थल पर जा चुके हैं, बैठे हैं उनके साथ। अच्छा, और सरकार, अच्छा, हमें लगा आप बोले बैठे हुए हैं, इनको न्याय दे। अच्छा, मिलने गए थे, ठीक है। अच्छा, मुझे लगा आप बैठे हुए, मिलने गए थे, ठीक है। पूरा दिन इनके साथ धरने पे, तभी विवेक श्रीवास्तव बोल रहा है की राजनीति हो रही है, तभी विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं की तमाम लोग जा रहे हैं और वहाँ बैठ रहे हैं, राजनीति चमका रहे हैं, तभी विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं। इनको न्याय दे दीजिए, आप भूषण सिंह को गिरफ्तार कर लीजिए, वहाँ कोई क्यों जाएगा? अच्छा, ठीक है, आप क्यों इस तरीके का अवसर प्रदान? चलिए, उन्होंने एनर्जी भी ले लिया, चलिए लोग वहाँ जा रहे हैं, चलिए। और अगर आप उनको न्याय नहीं देंगे, एनर्जी भी ले लिए हैं, बोलेंगे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। भूषण सिंह को बताना चाहते हैं, इसको आप अस्पष्ट क्यों नहीं करते? बता दीजिए कि हम इसलिए भूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं। चलिए ठीक, पूछ लेता हूँ आमिर साबरी। आमिर भाई, पूरा घंटा का आपके सामने है, क्या आपकी राय है? क्योंकि यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव बोल रहा है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, धारा 144 लागू थी, वहां पर मार्च नहीं करना चाहिए था। धन्यवाद गौरव जी, जी कि आपने इस बहस में मुझको शामिल किया जी। ये विवेक जी सही कह रहे हैं जी, कि इतना बड़ा कार्यक्रम, वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं जी, कि देश के सर्वोच्च सदन का उद्घाटन था जी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, बड़ा कार्यक्रम था जी। लेकिन गौरव जी, लोकतंत्र के उस मंदिर का उद्घाटन और उससे चंद कदम की दूरी पर लोकतंत्र को पैरों तले रौंदा जा रहा था, ज्यादा शर्मनाक बात कुछ और हो ही नहीं सकती है। गौरव जी, ये वो लोग हैं जिनको देश की बेटियां तो वो ही हैं बहरहाल, लेकिन वो ये वो लड़कियां हैं या ये वो बेटियां हैं जो देश का गौरव हैं, देश का सम्मान है, और इनके साथ मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक फोटो खिंचवाने में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो गौरव जी, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि चंद कदम की दूरी पर ये बेटियां देश की, जिनको जो देश का सम्मान है, जो देश का गौरव है, उनको 50-50 और 100-100 रुपए रिश्वत खाने वाले ये पुलिस वाले और पुलिस वालियां पैरों तले रौंद रही थी, इससे शर्मनाक बात और गौरव जी कोई हो ही नहीं सकती है। और विवेक जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, सबूत। हाँ। तो मैं गौरव जी बता दूं, आपको याद होगा लखीमपुर हत्याकांड जी, कि क्या टेनी के सबूत सामने सामने थे जी, क्या नहीं थे, क्या हुआ है पूरा देश जान रहा है। अच्छा। कुलदीप सिंह सेंगर, स्वामी चिम्मिया ने तमाम सबूत हैं। किस सबूतों की बात कर रहे हैं आप विवेक जी? किस दुनिया में आप रह रहे हैं आप, ये तो बताएं कम से कम, क्या ये सारी सुविधाएं ब्रजभूषण के लिए है? अच्छा, क्या यह सुविधाएं आम आदमी के लिए नहीं है? अभी इसी लखनऊ में कम से कम आधा दर्जन केस गौरव जी मेरी नजर में है, बिल्कुल है, के पास्को एक्ट में कोई मामला नहीं, कोई जांच नहीं है, रात को बुलाया गया और सुबह पास्को एक्ट में जेल भेज दिया गया, इसी लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस में। पास्को एक्ट गैर जमानती अपराध ही है, वो गैर जमानती, यही मैं कह रहा हूँ, आप बताइए, नहीं तो आप इसकी जांच क्यों नहीं दीजिए कि सामने वाला जो इल्जाम लगा रहा है सच लगा रहा है या गलत लगा रहा है? बात जांच की और जांच विषय की है, जब जांच का ही विषय है तो कम से कम एक दिन या दो दिन तो जांच में पुलिस लगाए, वहां तो सारे मुकदमे काम होने के बाद भूषण छुट्टा साठ की तरह घूम रहे हैं, क्या मतलब इसका भाई? आप देखिए, आप कह रहे कानून, हाँ। क्या ये कानून नहीं था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सदन के उद्घाटन में बुलाया जाता है? किस कानून के तहत आप बात करते हैं आप लोग? कानून को तो आप लोगों ने पैरों के तले रौंद रखा है, संविधान की आप मानते नहीं है और दुहाई चैनल में बैठ के संविधान और कानून की देते हैं। तो हमारी ये नहीं समझ में आता है कि इस देश में दोहरे कानून चलेंगे, आप सत्ता पक्ष का अलग कानून होगा, विपक्ष के लिए अलग कानून होगा, गरीब के लिए अलग होगा, अमीर के लिए अलग होगा, सांसद के लिए अलग होगा, गैर सांसद के लिए अलग होगा, किस कानून की बात करते हैं? जब आप दोहरे कानून के तहत चलाना चाहते हैं तो फिर आप कानून और संविधान की दुहाई कदापि ना दिया करिए आप लोग, कतई ना दिया करिए। अच्छा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, और कितने सबूत चाहिए विवेक जी आपको? कहां के लिए सबूत चाहिए? इस लखनऊ में भी आपको एक घटना बता दें आपको गौरव जी, अभी 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 एक हफ्ता पहले उच्च न्यायालय ने दिया है एक एसआई कमिश्नर साहब को इसकी जांच करें, आज एक सप्ताह हो गया कमिश्नर साहब जांच रखे बैठे हैं और एक एसआई खुलेआम घूम रहा है और तमाम
महिला गवाह है उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और जानलेवा हमले के बाद आज तक 323 504 506 में रिपोर्ट दर्ज करके उसने अपना दामन झाड़ लिया और महिला 6 दिन हुआ भर्ती रही बलरामपुर अस्पताल में। आप किस कानून की बात करते हैं और कितने सबूत आपको चाहिए? ठीक है विवेक जी, विवेक जी किस कानून की आप बात करते हैं, कौन से कानून चला रहे हैं? अपराधी घूम रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, पीड़ित हैं। आमिर भाई बताए हैं लखनऊ के तमाम मामले उन्होंने बताए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर अपराध हुआ है या नहीं भी हुआ है जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, इनका प्रश्न ये है। और यहाँ पर आप किसी को बताने का काम क्यों कर रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव सबका सवाल एक ही है। जी गौरव जी, आपकी डिबेट को जी हमारे विपक्षी मित्रों ने भड़ास निकालने का अड्डा बना दिया है। वाह क्या बात है विवेक जी, पे बात नहीं करते। विवेक जी जिंदाबाद जिंदाबाद। जो डिबेट का विषय तो डिबेट में क्या मुंह बंद करके बैठेंगे, बोलेंगे नहीं बात नहीं करते? अच्छा आप अगर कोई बात बोलेंगे तो विपक्षी क्या करेंगे, बोलेंगे हाँ आप सही बोल रहे हैं। जो विषय जो डिबेट का आपके विषय है हाँ चर्चा उस पर होनी चाहिए। अच्छा साबरी साहब ने कहा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया, कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है जी संसदीय परंपरा में जी। अगर प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं ये आप बताने वाले कौन है, राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, उपराष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? विवेक जी एक बात बता दिए, कार्यपालिका में जब कानून पास होता है तो बगैर राष्ट्रपति के मोहर के वो कानून मान लिया जाता है, इतना बता दीजिए आप मुझे। कैबिनेट अभिभाषण भी होता है और राज्यसभा के प्रस्ताव को प्रमुख कौन होता है जी, जो जो व्यवहारिक रूप से सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में नहीं थे जी। जब इसको अंदर पढ़िएगा जा करके जी, तो राष्ट्रपति का पद एक प्रतीक है जी, वो प्रथम नागरिक है जी, लेकिन कार्यदायी शक्तियां जी जो कर्तव्य रूप में है अच्छा। तो सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पद में नहीं, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, नया भारत ही तो है, नया कानून ही तो है। रुक जाइए मैं एक प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोल लीजिए। मैं मुझे गर्व है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। मैं आपको एक विषय का उत्तर दूंगा जी। जब हाई पावर कमेटी एग्जिस्ट कर रही थी जी, उसकी रिपोर्ट आने से पहले ये लोग गए FIR कराने। अच्छा ठीक है। जब एक जांच समिति काम कर रही है जी, उस दौरान थाना मुकदमा नहीं लिख सकता। अच्छा ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में इनके विषय को सुना जी, और सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा ठीक साहब आप कहते हैं मुकदमा लिखवा देते जी, मुकदमा लिख दिया गया। ठीक ये कंप्लेनेंट केस है। अच्छा समझिएगा, एक जो FIR सीधे पास्को एक्ट में थाना लिखता है जी, एक जो मुकदमा अदालत के निर्देश पर लिखा जाता है जी, लिख गया ये कंप्लेनेंट केस हो गया जी। अब इसमें विवेचक जांच करता है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी विवेचक के विवेक पर है कि वो गिरफ्तार करे या ना करे। इस विषय में गौरव जी जी तमाम विदेशी लोकेशन का हवाला है। अच्छा किन देशों में किन होटलों में इन लोगों का आमना सामना हुआ। अच्छा जब तक ये जांच सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसी चीजें नहीं आएंगी अच्छा जो ब्रजभूषण के खिलाफ जाती हो अच्छा तब तक इसमें आईओ क्या कर सकता है। अच्छा सरकार को जो लोग कोस रहे हैं इसमें सरकार के करने के लिए बचा क्या है? तो बेबी भाई मेरा कहना है अगर आपका कहना है अगर आपको लगता है कि यहाँ जांच लंबी होगी तो उन खिलाड़ियों से बात करनी चाहिए थी, कोई प्रतिनिधि वहां जाता बात करता उनको समझाता तो शायद यहाँ पर मामला खत्म हो सकता था। गौरव जी गौरव जी भारत का खेल मंत्री हाँ उनसे दो तीन बार बात कर चुका है। अच्छा हाई पावर कमेटी जिसमें पीटी ऊषा जिसकी अध्यक्ष रही ये छोटे नाम नहीं है। अच्छा आप इधर बड़े नाम, ये भी छोटे नाम नहीं है जो धरने पे बैठे हैं। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ ये छोटे नाम नहीं है जी, तो पीटी उषा भी देश के लिए छोटा नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पीटी उषा ने देश के लिए तब मेडल लाया था जी जब मेडल का देश में सूखा पड़ा रहता था। बिल्कुल ठीक है। सुनिएगा जी, खेल मंत्री ने समय दिया, पीटी उषा ने समय दिया, पीटी उषा धरना स्थल पे भी आई बात करने। इसके बावजूद
आप जुडिशियल प्रोसेस को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सब जानते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसको कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकता। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा लिखा गया है, जांच चल रही है, आपको उसकी डे टू डे मॉनिटरिंग चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर लीजिए साहब इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग की जाए जी। कुछ भी करा सकते हैं आप। जी जांच एजेंसी बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट जरा इसका बता दिए थोड़ा सारा। सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, इसमें किसको संदेह है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिए और FIR हो गई तो इनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? बड़ा सवाल ये भी तो विवेक जी बनता है। मैं यही तो आपको समझाने और जांच की जहां तक बात है तो तमाम मामलात में जांच क्यों नहीं होती है? उसमें जांच से पहले जेल भेज दिया जाता है, ऐसा क्यों आखिर? ये सब आपके सत्ता के साथ क्यों, विपक्ष के साथ क्यों नहीं है? ये आपका दोगला आरोप है। नहीं दोगला आरोप नहीं, ये दोगला आप कानून बना रहे हैं देश के अंदर, ये गलत है। नहीं नहीं, ये आप तो कानून तो आप समझ के समझना नहीं चाहते। नहीं हम खूब समझ रहे हैं विवेक जी, रूप से ना समझ है। नहीं नहीं आप समझ रहे हैं, आप समझा दीजिए थोड़ा सा और ज्यादा मेरी समझ में आ जाए जी। जैसे एक व्यक्ति के साथ कोई घटना घटी जी, वो गया थाने के साथ, मेरा मुकदमा लिख दीजिए जी, मैं आपकी बात मान लिया कि थाने ने उसका मुकदमा लिखने से इनकार कर दिया जी, वो जाता है लोकल अदालत में 156(3) के तहत वाद दाखिल करता है जी। अदालत उसको सुनने के बाद जी थाने से रिपोर्ट लेती है जी, और उसमें आदेश करती थाना मुकदमा लिखता है ठीक है, इसको कहते हैं कंप्लेनेंट केस जी। अब इसमें फिर जांच उसी विवेचक को मिलती है जी, विवेचक इसकी जांच करता है जी, जब वो किसी बिंदु पे सहमत होता कि नहीं हाँ अभी तो गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तारी होती है। अच्छा, सेम नेचर मैटर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा लिखा गया है। अच्छा, ये कंप्लेनेंट केस है। अच्छा, ये जब विवेचक तमाम देशों की होटलों की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा अच्छा, तब जाके डायरेक्शन लेगा। चले ठीक, अब कब डायरेक्शन दे सकते हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए? सुप्रीम कोर्ट जब खुद उसके आदेश पर मुकदमा लिखा गया है, व्यवस्था है विवेक भाई, आप भी देखे हैं व्यवस्था है, आप भी देखे हैं, हम तो यहाँ तमाम चीजें देखे हैं। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया केस हुआ था और उसके 2 साल बाद आपकी सरकार आ गई थी जी, आ गई, तमाम अभियुक्त सामने थे, तमाम गवाह सामने थे, उसके साल भी 8 साल लग गए न्याय दिलाते दिलाते जी बिल्कुल। तो कैसी व्यवस्था है, उस पर चर्चा ना ही हो तो शायद बेहतर है। चंचल यादव देखिए गौरव जी, जवाब नहीं विवेक भाई, जवाब विवेक भाई सुन लीजिए, जवाब खूब है, बता दीजिए न्यायपालिका को बात नहीं कर सकते, बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो व्यवस्था बता रहा हूँ, सबूतों की बात कर रहा हूँ, सबूतों की। एक बात का जवाब दे दी बड़ी ईमानदारी से, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी आसाराम बापू को अपना मतलब सत्कार सम्मान पा करके धन हो जाते थे, उसी आसाराम बापू को पास्को एक्ट के तहत उसके ऊपर केस होता है और सेम डेट में गिरफ्तारी होती है जी। आपको जानकारी होनी चाहिए। और आप जो ये नया भारत का नया कानून लेके आप लोग बनाना चाह रहे हो, जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाह रहे हो आप लोग, ये नहीं चलने वाला है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है और लगातार कर रही है, और एक दो मुद्दे पे नहीं, वो कई सारे मुद्दे आप देख लीजिए। जिस तरीके से जब सरकारें चुनी हुई सरकारें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग खरीद फरोख्त करते हैं, पैसे के लेन देन होती है। अच्छा। विधायकों को बड़े बड़े होटलों में रखा जाता है, ये सरेआम लोकतंत्र की लोकतंत्र की हत्या है। विवेक जी बहुत अच्छा नाम आपका है, लेकिन विवेकपूर्ण बात करिए आप, मुझे बताइए ना, आपका नाम अच्छा है, विवेक की बात नहीं कर रहे भैया, विवेकपूर्ण बात करिए आप, मुझे बताइए पास्को एक्ट के तहत क्या नाम है आसाराम बापू की गिरफ्तारी हुई थी कि नहीं हुई थी? और दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात यह है कि आप मुझे बताओ कि आप जो ये उसी दिन 28 तारीख को आपने जो महामहिम राष्ट्रपति के उद्घाटन की बात कर रहे हो, आप मुझे बता दो उच्च सदन का सभापति कौन होता है? आप बता दो कौन होता है राज्यसभा सभापति कौन होता है? क्या उसको निमंत्रण नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये नई परिपाटी सुनिए, जो नई परिपाटी आप शुरू कर रहे हो और जो केवल और केवल हमारे, मैं देखता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी केवल सारे के सारे काम करेंगे, शौचालय से लेकर के शौचालय से लेकर देवालय तक उद्घाटन करते हैं प्रधानमंत्री जी। इसी वाराणसी के अंदर नालियों की बाउंड्री वाल की जेल की बाउंड्री वाल में दोबारा नहीं जाएगी आप संसद में बोले, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन सवाल ये नहीं है आप नहीं आए अच्छा। भेजने वाली नहीं आपको परेशान नहीं, जहाँ पे लोकतंत्र का सम्मान नहीं है, जहाँ पर लोकतंत्र है उसमें कैसे जाएंगे? चिंता ना करिए। अच्छा, आप कहाँ मान रहे हो? यही तो बात है ना, यही तो जो नया भारत आप बनाना चाह रहे हो,
आज जो मैं बड़ा बयान दे रहा है कि दोबारा नहीं जाएंगे आप लोग, दोबारा घुस भी नहीं पाओगे आप। अच्छा नहीं नहीं वही मैं करूँ, नया भारत बनाना चाहते हैं, गलत फहमी है। प्रधानमंत्री जी का नौ साल में जनता बेहाल है, जो भी वादे करके आए थे एक भी वादे पूरे नहीं कर पाए हैं, और यही जनता उनको झोला लेकर के वापस भेजेगी। सरकार जो है चाय पे चर्चा पे शुरू हुई थी और चाय पे चर्चा पे वापस जा रही है। चलो ठीक है, बात को नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश से लेकर के सभी राज्यों में झोली रणनीति बन रही है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर 80 के आगे जीरो हट जाएगा। विवेक जी 80 के आगे जीरो हट जाएगा, यही आपका हाल रहा। और ये अच्छा एक मौका था नहीं, विवेक भाई आप मुझे बताइए जिस तरीके से ये बहने बैठी हैं धरने पे, जिस तरीके से अपने मेडल मेडल कोई आसान बात है क्या? जिस तरीके से आपके सांसद बोला करते हैं कि 20-25 रुपए मेडल मिला करते हैं, आप ही बोलते हो ना उनका। देखिए मैं उनकी बात आप हमको बता दिए, आप इस बात से सहमत है? सुन लीजिए, मैं इस बात से सहमत नहीं रखता। 20-25 रुपए के मेडल मिलते हैं क्या वो? और फिलहाल बता दू पूरा जीवन खपाना पड़ता है। प्रवाहित नहीं किए हैं जी, पहलवानों ने अपने मेडल नरेश चिकन जी को सौंपे हैं। अभी विषय 5 दिन के लिए स्थगित हो गया, आपकी जानकारी के बता दूं। अच्छा ऐसे जागे आपके पास लगता है। अच्छा ठीक है, देखिए गौरव जी सबसे बड़ी बात है, विवेक जी ने मुझे एक बात उन्हें स्वीकृति करी, कम से कम जो सांसद जी ने बोला कि नहीं ये 150 रुपए के मेडल मार्केट में मिला करते हैं, विवेक जी की आत्मा, विवेक जी की आत्मा जिंदा है इसलिए उन्होंने इतनी बात कही है। अपनी आत्मा के जिंदा होने का परिचय दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से विवेक जी का। लेकिन सवाल यह है, सवाल आज के समय में यह है, क्या आप बताइए जो जिस दिन लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था और उसी में आपने बहुत सी बात कही साबरी साहब ने कि जो 150 रुपए लेकर के जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग अपने जूतों के पट से रौंद रहे थे, देश के लिए शर्म की बात नहीं थी क्या? वो बेटियां कोई सामान्य बेटियां नहीं थी विवेक जी, कोई सामान्य बेटियां नहीं है वो बेटियां करोड़ों में एक बेटियां हैं। आप इस बात को सोचिए, बेटियां बेटियां होती हैं, हर बेटी का सम्मान होना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है, सम्मान हो रहा है, काम करने ये दिल्ली के अंदर सम्मान हो रहा है, पहलवान हो। आप मुझे बताइए सम्मान हो रहा है दिल्ली के अंदर? होती है। चलिए ठीक है ठीक है, सम्मान होगा। ठीक है प्रतिपाल भाई, सम्मान होगा, बोल रहे बेटियां कोई भी हो, चाहे पहलवान हो चाहे कोई भी हो, सम्मान सबका बीजेपी करती है। मैं इतना शुद्ध हूँ इस समय विवेक जी को, मैं व्यक्तिगत निर्माण हो रहा है, प्रतिपाल बोल रहा है जी, अपनी विवेक जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 100 से ज्यादा उनके साथ मैं डिबेट कर चुका हूँ जी। वो व्यक्ति इतना दिलगीर आदमी है, जब ऑफ कैमरा हम लोग बात करते हैं वो भी बताते हैं कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, और क्या चाहिए भाई, आपका स्टिक हो गया क्या? बेचारे कुंठित है भाई, आपका स्टिक हो गया क्या? सबसे बड़ी बात विवेक जी को ये देखना चाहिए, वो जो बेटियां वहाँ बैठी हुई है वो झूठी है। अच्छा, यह चैनल के माध्यम से विवेक जी अपने दिल पे हाथ रख के बता दे जी। और ये अभी दुहाई दे रहे हैं कि संविधान की दुहाई दे रहे हैं, आपको याद होगा सबरीमला के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि बहन बेटियों को उस मंदिर में जाना चाहिए, तब देश के गृह मंत्री ने क्या जवाब दिया था जी। कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, ये संविधान की बात करते हैं। अरे भाई संविधान की हत्या करने वाले, संविधान को जलाने वाले गौडसे के पुजारी, गांधी को गोली मारने वाले लगती गौडसे के पुजारी के समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस मुस्लिम लीग थी उसके सरकार में, सरकार में वित्त मंत्री होते प्रमाण अभी हो गया था जो जेल में है। अगर पॉक्सो एक्ट में कहा गया है कि अगर बेटी या बहन या कोई महिला ये बात को कहती है तुरंत प्रभाव से उसको आप जेल में डालो, आपको तो एग्जाम्पल देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के समय में गला फाड़ फाड़ के कहती थी बहुत सारी महिलाओं पे बार, इस बार भाजपा सरकार तो कौन सी महिला सुरक्षित है? गौरव जी बता दीजिए, 8 साल की बच्ची अगर कठुआ में बलात्कार होता है मंदिर के भीतर, उस पुजारी के बचाव में कौन उतरता? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक उतरते हैं। ऐसे तमाम कारण है, दस सेकंड लूंगा अभी। मैं और प्रतिपाल जी दोनों लोग जो है एक टीवी डिबेट में थे, एक चैनल पे थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक साहब आए थे, उन्होंने सरेआम ऑन रिकॉर्ड बोला गांधी जी को, नेहरू जी को जो देश का हत्यारा बताया, लाखों लोगों को मरवा दिया इन लोगों ने।
ये चैनल पे जब हम लोगों ने चैनल बोला उन्होंने, और सोचिए ये किस तरीके से लोग बोलते हैं, क्या बातें कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं तो धन्यवाद करता हूँ विवेक जी, कम से कम ये अपनी अंतरात्मा की बात सुन रहे हैं जी। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, जान लीजिए। चलिए बोलिए, अब टैक्स पेयर की बात आ जाती है, सुन करके मुझे शॉक हो गया, क्या क्या बातें कर सकते हैं ये लोग जी। चंचल में कंप्लीट कर लूं, गौरव जी इन्होंने कहा कि टैक्स पेयर के पैसे से उन्होंने पहलवानों को, हम लोगों ने देश के लिए उन्होंने मेडल दिलवाया। पूरे देश को याद होगा उरी की वो घटना, जब 42 हमारे देश के जवानों की निर्मम हत्या कर दी गई। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया आज तक किसी को नहीं पता। वो बार बार एयरलिफ्ट के लिए चिल्लाते रहे, उन्होंने वहां पे एयरलिफ्ट दे दिया। ये केजरीवाल जी ने पूरे देश हो गया आदेश कुछ नहीं, आपको बात करना भाई, आपकी राय लेना हो भाई, फाइनल कमेंट ले लूं आपका। मैं ये कह रहा हूँ आखिर देश में जी किसी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, पूछ रहे तो न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन करने का अधिकार होगा या नहीं होगा लीजिए, और अगर आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं होगा, न्याय पाने का भी अधिकार नहीं होगा, तो आखिर कौन से भारत का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है? ठीक है, पूछ लेता हूँ। उन्होंने कहा था कि हम नए भारत का निर्माण करेंगे, क्या यही नए भारत का निर्माण? ठीक है, नए भारत का निर्माण अमित शाह जी, ये नए भारत का निर्माण कर रहे हैं जिस देश में, आप बताइए। समय हो गया गौरव जी, यही नए भारत का निर्माण है, चाहिए 10 सेकंड में बारी बारी बोल रहे हैं, मौका दे दूंगा। देखिए गौरव जी, आपने ये बहुत सही बात कही है कि नए भारत का निर्माण ही है जी, कि सदन को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बना दिया गया है, और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए ये कह दिया गया, ये कह के किनारे कर दिया गया कि सब कुछ प्रधानमंत्री के हाथ में। कितने अफसोसनाक बात है गौरव जी, कि देश का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। इससे पहले भी जो राष्ट्रपति हमारे हुआ करते थे कोविंद जी, उनको भी एक मंदिर में जाने से रोक दिया गया, उसके बाद भी तमाम तरीके की डिबेटें हुई लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकला। कुल मिलाकर के जो अभी प्रतपाल जी कह रहे थे, मैं उसकी बात से समर्थन करके एक बात और बढ़ा के कहता हूँ कि बलात्कारियों का, हत्यारों का, अपराधियों का समर्थन करना ही भाजपा का मौलिक अधिकार भी है। प्रतिपाल भाई ये आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि इनका ये मौलिक अधिकार है कि भाजपाइयों का, कि ये अपराधियों का, हत्यारों का, बलात्कारियों का खुल करके समर्थन करें, उनके समर्थन में जुलूस निकालें, उनके नारेबाजी करें। विपक्ष की कोई हैसियत नहीं है, विपक्ष को कोई मौलिक अधिकार नहीं है, विपक्ष कोई संविधान के तहत ना धरने कर सकता है, ना प्रदर्शन करता है, ना आंदोलन कर सकता है। यही भारतीय जनता पार्टी वाले मैंने देखा विधानसभा के सामने, सपा सरकार में पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से मारा करते थे। अच्छा। ये मैंने देखा है, तमाम वीडियो है, तमाम फोटो मेरे आज भी मेरे मोबाइल में मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ इस बात के ऊपर। लेकिन आज की तारीख में कोई विपक्ष धरना, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं कर सकता है, तमाम अपराध ही बना दिए जाएंगे, हत्या और बलात्कार उनको कैद लगा के उनको जेल तक भेजा जा सकता है। गौरव जी, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। ठीक है, सत्ता पक्ष भी यहाँ पर अगर अलग है तो यहाँ पर विपक्ष भी अलग है। ठीक है, आप सभी के इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, और चर्चा थी पहलवानों के अनशन को लेकर, आंदोलन को लेकर। आज वहां पर गंगा में प्रवाह करने के लिए अपने मेडल्स को गए थे, पर वहां पर जो श्री गंगा सभा है उसने वहां पर मना कर दिया है कि गंगा को राजनीति का केंद्र न बनाए। पुण्य प्रतापी गंगा, जिसमें लोग अपने पाप को धोने आते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं और एक अलग आध्यात्मिक व्यवस्था को अंजाम देते हैं। पर यहां पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अनशन आंदोलन ये हमारे देश की एक व्यवस्था है, लोकतंत्र में जब किसी को न्याय नहीं मिलता है तो वो आंदोलन और अनशन करने के लिए स्वतंत्र है। ये अधिकार हमारे देश का संविधान उनको देता है, तो अगर संविधान के तहत कोई अनशन होता है, आंदोलन होता है, तो उसको गौर जरूर करना चाहिए। जब भी कोई अनशन आंदोलन होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई जरूरत होती है, कोई ना कोई मजबूरी होती है, कोई भी अपना घर बार छोड़कर सड़क पर उतरने के लिए नहीं आता है। सड़क पर उतरने के लिए विपक्ष आता है,
जब सत्ता पक्ष की नींद खोलनी होती है, पर यहाँ विपक्ष जब नहीं उतरेगा तो शायद विनेश फोगाट, प्रदीप पुनिया और साक्षी मलिक जैसे पहलवान अपनी मांगों को लिए, अपने न्याय के लिए सड़कों उतरते नजर आएंगे। यहाँ पर अगर बात नहीं सुनी जा रही है तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंडेट जनता ने उनको भी दिया है लड़ने के लिए और जनता का साथ देने के लिए और सरकार की नींद खोलने के लिए। अगर विपक्ष यहाँ काम नहीं करेगा तो शायद जनता को ही अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। व्यवस्थाएं बनती रहती हैं, चीज़ें बनती रहती हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अगर कोई व्यवस्था है, अगर कोई आरोप है तो उनकी जाँच होनी चाहिए और उस पर जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। जब भी कार्रवाई देर से होती है, जब भी न्याय व्यवस्था पर कोई कमी होती है, जब भी ढीला रवैया अपनाया जाता है, तब तब ऐसे आंदोलन होते हैं। और ऐसे आंदोलन केवल केवल जो व्यवस्थाओं को शर्मसार करते हैं, जो शर्मसार हमने देखा 28 मई को, वो आने वाले समय में और भी देखने मिलेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है और यहाँ पर अनशन का और आंदोलन का अधिकार सबको है। तो बने रहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर बात पूरा ना कीजिए तो अनशन भी करिए, आंदोलन भी करिए, पर कम से कम देश के सम्मान का भी ख्याल रखिए कि देश का सम्मान खंडित ना हो, व्यवस्था खंडित ना हो और जो इंसानियत है वो भी शर्मसार ना हो। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।